ये देखिएगा मैंने बना लिया है और इधर साइड से मैंने उतार दिया है। इसी तरह से एक पल्ला और बनाएंगे, फिर पीछे के दो पल्ले बनाएंगे। ये देखिएगा दोनों पल्ले बन गए हैं। इस तरह से दोनों पल्ले बनेंगे, ये आगे के साइड पर रहेगा, ये देखें, और एक इधर साइड से जुड़ जाएगा, फिर इधर साइड से जुड़ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे और दो पल्ले बनाएंगे। ये देखिएगा बाजू बनाने के लिए मैंने 68 फंदे डाले हुए थे नीचे, और ये हमने एक बना लिया है, एक और ऊपर बनाएंगे। ये देखिएगा उसके लिए इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने ब्लाउज का नीचे बॉर्डर सिखाया है उसी तरह से ये बाजू बनाएंगे। सिर्फ अंतर ये है कि इसमें डबल बनाएंगे और बॉर्डर में हमने सिंगल बनाया है। इसी तरह से ये बाजू हम कंप्लीट करेंगे और ऊपर हम फंदे 80 कर देंगे बॉर्डर के लिए। ऊपर बाजू में ऊपर फंदे 80 हो जाएंगे। ये देखें अब हम फंदे को कम करेंगे इस तरह से, अब दो रह गए, तीन तीन उल्टे थे। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो बताएंगे फंदे किस तरह से बढ़ाए जाते हैं। ये देखो जाली हमें कैसे बढ़ाना है, वो फंदे को इस तरह से हम जो साइड साइड के फंदे हैं उस पे हम डबल जाली बना देंगे, और बीच में हम जाली बीस बीस कर लेंगे तो हमारी 80 फंदे हो जाएंगे ऊपर की साइड पे। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये साइड साइड हम जाली बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम कम करते जाएंगे। सिर्फ एक फंदे को बचा है मेरे पास उल्टा, बाकी फंदे हमने कम कर लिए हैं, एक उल्टा बचा बीच में। अब हम जाली नहीं बनाएंगे, ये इसी तरह से हम ऊपर का कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा बाजू हमने बना ली है, आप चाहें तो ये सिंगल बना सकती हैं और डबल चाहें तो डबल बना सकती हैं। इस तरह से एक और बनाएंगे। दोनों बाजू तैयार हो गई हैं, अब मैं गला बनाना सिखाऊंगी। ये देखिएगा पहले मैं इसको इस बॉर्डर को सिलूंगी ऐसे, फिर हम आपको गला बनाना बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है गला। इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से हम सिल देंगे इसको। ये देखिएगा इस तरह से, ये इसी तरह से हम सिलेंगे। देखें एक साइड का मैंने सिल लिया है, दूसरा देखिएगा ये बीचम बीच में लगाना है दोनों आगे का जो खुला हुआ, ये इस तरह से हम सिल लेंगे यहीं से। इसको भी इसी तरह से देखिएगा हमने नीचे का सिल दिया है, इसी तरह से हम पीछे का पल्ला सिलेंगे। अब देखिएगा गला भरेंगे। ये देखिएगा ये कंगूरे से बने हैं, एक दो तीन, और हम ये चौथे कंगूरे से यहाँ से फंदे को उठाएंगे इस तरह से, और पिंक से बनाएंगे, पिंक से। ये देखिएगा इस तरह से हम फंदे को भरेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक के हम 30 फंदे उठाएंगे यहाँ से, ये इसी तरह से हम फंदे को उठाएंगे। ये देखें हमने 30 फंदे भर लिए हैं और चार फंदे हम इस बॉर्डर से उठाएंगे। इस तरह से, और तीसरे फिंदा हम इधर साइड से उठाएंगे। देखिएगा मैंने फिंदे भर लिए हैं सारे, और इधर से मैं ये
इस तरह से उल्टा उल्टा बिन जाऊंगी सारे फिंदों को। फिर हम सीधी सिलाई में बताते हैं क्या करना है। ये देखें, अब हम डिजाइन डालेंगे। ये चच्चा सलाइन की डिजाइन है। ये दो सिलाई निकालनी है, एक उल्टी और एक में हमने फिंदे भरे थे। तो ये देखिएगा, एक को हमने उतार लिया। इस तरह से डबल अंटा लगाएंगे सीधी साइड से, इस तरह से सारे फिंदे हम इसी तरह से करेंगे। फिर उल्टी साइड पे आपको हम बताते हैं। देखें, हमने सारे पे अंटे चढ़ा लिए हैं और बुन लिए सारे फंदे। इसको उतार लिया और सीधी साइड पे ये धागा करना है पीछे साइड पे, और इन तीन फिंदों को हम इस तरह से निकाल लेंगे अंटे को, और इस पे इस तरह से ये डिजाइन डालेंगे। इस पे अंटा दिया, फिर इस तरह से किया। ये पूरी सिलाई में इसी तरह से करना है, इस तरह से। ये देखिएगा, तीन के तीन फिंदे बन रहे हैं। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को निकालेंगे। ये देखिएगा, मैंने निकाल लिया अब सीधी सिलाई। सारे फिंदे हम इसी कलर से बुन जाएंगे। उधर से हम कलर चेंज कर लेंगे, बैंगनी कलर लगाएंगे। इस तरह की हम तीन लाइनें बनाएंगे, एक बैंगनी की बनाएंगे तो दो इसकी बना के फिर आपको हम दिखाते हैं कि और ऊपर का कैसे बनेगा। ये देखिएगा, हमने तीन लाइनें बना ली हैं। एक हमने ये बैंगनी की बनाई है और दो हमने ये पिंक की बनाई है, एक नीचे एक ऊपर। अब देखिएगा क्या करना है। एक उतार लिया, सारे फिंदों पे हम अंटे लगाएंगे दो दो करके, इस तरह से थोड़ा लूज लगाएंगे। ये इसी तरह से अभी देखिएगा, ये देखें सारे फिंदे हम खोल देंगे इसको इस तरह से। ये देखें, पूरे इसी तरह से कर लेंगे। फिर आगे का बताते हैं। देखें, हमने सारे फिंदे पे अंटे निकाल लिए हैं। अब देखिएगा, ये सुई है, ये हम इसको इस तरह से डालेंगे सारे फिंदों में। ये देखिएगा, हमने सारे फिंदे इसमें डाल लिए हैं और इसको निकाल दिया। इसमें अब नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ये दिल शेप में बनके तैयार हो गया है इस तरह से। इसी तरह से हमें पीछे की साइड का भी इसी तरह से बनाना है। ये देखिएगा, अब उल्टे की साइड पे इसको मैं इस तरह से सिल दूंगी। ये बैंगनी तक सिलना है। यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगी इस तरह से, और धागा को कट कर दूंगी। ये देखिएगा, इस तरह से बनके तैयार हो गया ये। अब मैं सिलना से देखें, हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं। अब इसको पहले मुड्डे को ऊपर की साइड से जोड़ेंगे इस तरह से। इसको इसी तरह से हम सिल देंगे। मैंने सिल लिया है। अब बाजू लगाना मैं सिखाऊंगी इस तरह से। इस तरह से हम बाजू को लगाएंगे।
इसी तरह से हम सिलेंगे इसको भी कंप्लीट करके, फिर हम आपको दिखाइएगा। हमने सिल लिया है, बाजू भी सिल दी है और पूरा सिल के कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बनेगा ये।